अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चले शुरू करते हैं, ये मज़ेदार पराठा कैसे बनाया जाता है। एक पाव चिकन ली है, इसे अच्छी तरह साफ करके धो ली है। इसे बॉईल कर लेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। एक गिलास पानी डाल लेंगे, एक पाव चिकन डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम आंच पर। 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे ठंडा कर लेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। यह हड्डी के बगैर मैंने चिकन लिया। सारे चिकन को मैंने छोटा छोटा कर लिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, एक चम्मच कटा हुआ प्याज, आधी छोटी चमची नमक, आधी छोटी चमची लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधी चम्मची सूखा हुआ धनिया, एक चम्मच ऑयल। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया। गेहूं का आटा, इसे मैंने 15 मिनट के लिए गूंद के रख लिया था। इसकी 4 लोइयां तोड़ लेंगे। एक ही शहद की मैंने 3 लोई तोड़ लिए। इसके 2-2 हिस्से कर लेंगे। इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सबके मैंने पेड़े बना लिए। इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तीनों पीस के ऊपर चिकन रख लेना। इसे ऐसे बंद कर लेना। इसे अच्छी तरह बंद करना है ताकि चिकन बाहर ना निकले। तीनों को मैंने तैयार कर लिया। इसे पका लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हाथ से मैंने इसकी रोटी बना ली है। पैन में डाल लेंगे। दो चम्मच ऑयल लगा लिया, इसे उठा लेंगे।
चिकन पराठा हमारा पक चुका है, इसे बाहर निकाल लेंगे। दूसरा पराठा भी इसी तरह बना लेंगे। पराठे को मीडियम आंच पर पकाना है, फुल आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो जल जाएगा। ये वाला पराठा हमारा भी तैयार हो चुका है। चिकन पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। हमारी वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।